सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज मैं एक्चुअली आई हूँ निशान को पढ़ाने, बिकॉज ये मेरे बिना पढ़ नहीं पाता। सो कहना थी कल बता निशान, क्यों तुझे हमेशा मेरे साथ पढ़ना होता है? एक्चुअली मेरे साथ पढ़ना उतना ईजी भी नहीं है, हमेशा एक गैलेक्सी शिकलात भी, मेरे को हॉट चॉकलेट भी लगता है, मेरे को खाना भी खिलाना पड़ता है, इतना खर्चा करने के बावजूद भी तो क्यों चाहता है मेरे साथ पढ़ना? मिस्टेक हो गई, अब से नहीं होगा। बज रहे हैं 2:30, मेरा सुबह पेपर है, अभी बज रहे हैं 2:30 फ्राइडे, अभी मेरा सुबह पेपर है, 8 बजे पेपर है, तो 7 बजे मुझे निकलना है। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं इतना क्यों डर लग रहा है, ऐसे तो मेरा हो गया है। मेरे को एक क्वेश्चन, पहली बार जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मैं उसे पेंसिल से टिक करती हूँ, देन सेकेंड टाइम मैं उसे पेन से करती हूँ, एंड अब मैं लास्ट फाइनल रिवीजन कर रही हूँ तो मैं इसे रेड से मार्क करती हुई जाती हूँ। एंड जब भी कोई ड्रग हो उसकी, तो उसके ड्रग एंड डोज डिजीज़ का साइड में लिख ली। एंड कुछ कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है, जैसे ये वाला ब्रीच वाला, मैंने कैसे तो भी कर लिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा इसका, जो है मोरिसो लेब्रेला शापेल मैनुअल, और इसका ये 7-1-7-2, फिर भी मेरा थोड़ा सा और बचा है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ग्रुप प्रेजेंटेशन की डिलीवरी बची है अभी, और काफ़ी चीज़ें बची है। निकालने सेंटर से आने के बाद यहीं पे कहीं पे बिल्डिंग है, तो आज जो था पेपर था मेरा, कौन सा पेपर था मेरा, ऑप्स का पेपर था मेरा, और हम लोगों को थोड़ा सा डिपार्टमेंट मिलने में लेट हो गया, तो थोड़ा सा टेंशन भी हो गई थी, पर वहाँ जाने के बाद ऐसी सिचुएशन थी, पूरी सांस अटकी पड़ी थी, ऐसा लगा कि बस अब तो मैं फेल हूँ। मेरा क्वेश्चन वेरिएंट था 29, मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, हाँ वो था कि प्रेग्नेंट वुमन की केयर कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए और डाइट क्या होना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि पर्सनल हाइजीन फीमेल को कैसे मेंटेन करनी चाहिए, क्या डाइट फॉलो करना चाहिए। तो जो मेरी टीचर थी, पता नहीं कौन सी टीचर थी, कोने में बैठी थी, पतली सी गोरी गोरी सी टीचर थी, और उसके चेहरे पे बहुत सारे मार्क्स थे। कौन सी टीचर थी मेरी कि अच्छी टीचर थी यार, तो क्वेश्चन बहुत पूछा उसने। उसने मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा कि अगर वेगन रहा तो तू कौन सा उसको फूड रेफर करोगी, फिर उसने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितनी कैलोरी का फूड होना चाहिए पूछा, नंबर क्या है टैक्सी का, B454, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितनी कैलोरी का फूड होना चाहिए, ये सब पूछा। एंड बीच बीच में तो ये भी पूछ रही थी कि मैं केक और पेस्ट्री खा सकती हूँ क्या, चूतिया चूतिया नहीं रही, अच्छी क्यूट है। हाँ फिर मेरा सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर उसने मेरे को पूछा कि कब से कब स्टार्ट होता है वगैरह वगैरह। एंड थर्ड क्वेश्चन था मेरा, और तीसरा क्वेश्चन था फीटल एक्सटेंशन का, जिसमें था आईब्रो वर्टेक्स, तो उसने हर बच्चे की मतलब आई प्रेजेंटेशन पे, आई नहीं वर्टेक्स ब्रो और फेस,
वर्टेक्स ब्रो फेस प्रेजेंटेशन पे बच्चे की डिलीवरी कैसे करेंगे, उसका बायोमेकेनिज्म क्या है, उसने ये सब पूछा। अच्छी टीचर्स है, टीचर्स मतलब तुम्हारा सच में नॉलेज चेक करती है। बाकी उसने बहुत सारी क्रॉस क्वेश्चनिंग करी पर इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं करी। बाद में मेरा केस था 29 नंबर का केस था जिसमें पीपीटी में लिखा है कि इसमें अम्बेलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स है करके, तो मैंने उसमें आंसर वही बताया कि अम्बेलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स है, बट उसका आंसर उसने उसमें मैंने मेंशन नहीं करा था, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसमें फुटलिंग प्रेजेंटेशन भी था। तो गया भाई पेपर, बहुत ज़्यादा फटी पड़ी थी, सुबह सुबह मेरा बात करने का मन नहीं हो रहा आज। मैं खाना मेरा भी मैंने बहुत दिन से खाना नहीं बनाया, रोज बाहर खा रही हूं मैं, मन तो 2 महीने हो गए खाना नहीं बनाया। बट जब उसने वो पेल्विस उठा के लाया और बच्चा उठा के लाया, मेरे को लगा बस ऐसे मैंने हाथ रखा कि अरे यार क्यों, तो मेरे से थ्योरी पूछ ले, मेरे को प्रैक्टिकल नहीं आता। पर फिर उसने बाद उसने मेरे को पूछा कि तुम डिलीवरी के कदा मतलब बायोमेकेनिज्म ऑफ लेबर बता, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर बता। फिर मेरे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में उसमें ये भी क्वेश्चन था कि तो सॉफ्ट टिश्यू की प्रिवेंशन कैसे करेंगे, अब वो मुझे अच्छे से नहीं आता था, तो मैंने बोला अगर मैंने एपिस्टोमी या फिर पेरिनेटोमी करी तो मैं उसकी कैटगट सक्सेस करूँगी। फिर उसने बाद उसने क्वेश्चन फिर से पूछा, फिर मैंने उसे फिर से बताया, फिर उसने मेरे को अच्छे से बताया, मैंने बोला हाँ। फिर मेरे को याद आया वेंचर यहाँ पे तो मैनोवर है और वो मैनोवर मैंने अपने इस पे ड्रॉ करके रखा था। मेरा तो बहुत लंबा लिया उसने, मैंने बोला हो तो गया अब सब तो ले लिया अब क्या बचा। 3-4 डिलीवरी पूछ ली उसने मुझसे, 3-4 डिलीवरी करवा ली, आती तो मेरे को ढंग से एक भी नहीं थी बट उसने करवाई। और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर पर बोली 20 मिनट लिया ही होगा उसने मेरा एग्जाम, 20 मिनट अच्छा खासा लिया, 3-4 नहीं पड़ गए तब तक, मैं लगा मेरे को भी निपटाती है, बोला मेरे को बोलेगी कब नेक्स्ट ईयर। उसने को टोटल 29 दिए 30 में से, और एक मार्क उसने इसलिए बोला कि तूने फुटलिंग प्रेजेंटेशन यहाँ पे पेपर में लिखा क्यों नहीं करके खुद से। फाइनली ऑप्स का पेपर हो गया, हम चाहते तो अब है सर्जरी। टीचर्स अच्छे हैं, सच में तुम्हारा नॉलेज है क्या चेक कर रहे हैं, मेरी वाली टीचर ज़्यादा अच्छी थी, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रही, बढ़िया टीचर थी यार, अच्छा लगा एग्जाम देकर। टेंशन यार, डर तो बहुत लगता है यार, पूरी मतलब सब निकल जाता है। अब मैं फिफ्थ ईयर में होकर चली गई क्योंकि सर्जरी तो मैं पास हूँ।